हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन डेस्क, ए पाथ ऑफ सक्सेस। मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन डेस्क में। दोस्त फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी के बारे में रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 31 मार्च है, यानी कि आज हम लास्ट एनटीपीसी आरआरबी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। आज 12 बजे तक लास्ट रजिस्ट्रेशन, इसके बाद हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। और जो फ्रेंड्स जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है मगर उनका पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो वो 4 अप्रैल तक अपना पेमेंट कर सकती हैं, तथा फाइनल सबमिशन की जो डेट है वो 12 अप्रैल है। इसलिए वो दोस्त निराश ना हो जिनका पेमेंट नहीं हो पा रहा है और वो सोच रहे हैं कि वो अब फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो वो आज 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर लें और इसके बाद वो 4 तारीख तक वापस अपना पेमेंट कर सकते हैं तथा 12 तारीख तक फॉर्म को सबमिट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आज आपको बताने वाले हैं कि जो आरआरबी एनटीपीसी में जो वैकेंसियां निकली थी उसमें किस जोन से कितने कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं अब तक। और फ्रेंड्स, आप यकीन ही करोगे, इस टाइम आरआरबी एनटीपीसी में जो फॉर्म है वो लगभग 1.3 करोड़ से भी ज्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं और बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है इस बार आरआरबी एनटीपीसी में। इसलिए फ्रेंड्स, आपको बहुत ही अच्छा हार्डवर्क करना पड़ेगा और बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, जब भी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, आपका टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2019 फॉर्म फिलअप, ये हमारे 8 PM तक का, यानी कि 7:30 से लेकर 8 PM तक का डाटा है, जैसा कि आप देख सकते हो। और यहाँ आरआरबी दे रखे हैं, जैसे कि अपने फर्स्ट नंबर पर जो आरआरबी है वो अपना इलाहाबाद। हम जानते थे कि इलाहाबाद में सबसे ज्यादा वैकेंसी थी 4099, वहीं आप देख सकते हो इसमें जो फॉर्म फिलअप थे वो थे 18,24,276। और फ्रेंड्स, यहाँ जो पर कैंडिडेट जो सीट है, यानी कि एक सीट पे लिए जो कैंडिडेट बैठेंगे वो है 445, यानी कि एक सीट पाने के लिए जो 445 स्टूडेंट, उनमें से सिर्फ एक को सीट दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं जैसा कि बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। आगे बढ़ते अपना नेक्स्ट जोन है मुंबई, जहां पर दूसरे नंबर पर वैकेंसियां थी वो थी 3,665 और यहाँ फॉर्म आप देख सकते हो 11,86,589 और यहाँ जो टोटल एक सीट के लिए जो कैंडिडेट फाइट करेंगे वो है 323। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला जोन अपना सिकंदराबाद, यहाँ पर टोटल फॉर्म भरे जा सके हैं 11,43,207 और यहाँ जो वैकेंसी वो है 32,34 और यहाँ एक सीट के लिए जो कैंडिडेट फाइट करेंगे वो है 353। नेक्स्ट जोन है अपना चंडीगढ़, यहाँ है 10,40,309 और यहाँ जो वैकेंसी वो है 2483 और यहाँ एक सीट के लिए जो कैंडिडेट फाइट करेंगे वो है 421। नेक्स्ट जोन है अपना चेन्नई, 10,03,298 और यहाँ पर जो वैकेंसी वो है 2,694 यानी कि 2694 और यहाँ पर डेट जो पर कैंडिडेट का जो फाइट रहेगा वो रहेगा अपना 372। नेक्स्ट जोन के लिए चलते हैं, वो अपना बेंगलोर, यहाँ जो फॉर्म भरे जा सके वो है 8,97,281 और यहाँ जो सीट है वो है 2470 और यहाँ पर कैंडिडेट जो फाइट रहेगा वो रहेगा 363। जो नेक्स्ट जोन अपना वो है अजमेर, यहाँ फॉर्म भरे जा सके 8,67,719 और यहाँ वैकेंसी देख सकते हैं 1773 और यहाँ जो पर कैंडिडेट जो फाइट है वो है 489। जैसा कि आप जैसे अब तक के सारे जोनों में सबसे ज्यादा जो पर कैंडिडेट फाइट है वो 489 अजमेर में है। इसलिए फ्रेंड्स, अजमेर में काफी अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा इस बार अपनी वैकेंसियों में आरआरबी में। नेक्स्ट जोन अपना कोलकाता, 8,58,732, यहाँ जो फॉर्म भरे जो वैकेंसी है वो है 2949 और यहाँ जो पर कैंडिडेट जो सीट है वो है 291। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते अपना नेक्स्ट जोन है अहमदाबाद, यहाँ टोटल फॉर्म भरे गए हैं 5,37,901 और जो वैकेंसी है वो है 1,024 और यहाँ पर कैंडिडेट जो वो है 525। तो आप देख सकते हैं अहमदाबाद अजमेर से भी ज्यादा कंपटीशन इस बार अहमदाबाद में देखने को मिलेगा, तो ये इस बार एक डेंजर जोन में आ चुका है, इसलिए यहाँ पे कैंडिडेट की कंपटीशन बहुत ज्यादा रहेगा। तो आगे बढ़ते अपना नेक्स्ट जोन है रांची, यहाँ जो फॉर्म भरे गए वो है 5,19,002 और यहाँ जो टोटल सीट थी वो थी 1,386 और पर कैंडिडेट जो टफ है यहाँ कंपटीशन है वो है 362। आगे बढ़ते अपना अगला जोन है बिलासपुर, वहाँ जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो है 3,93,608 और जहाँ वैकेंसी है 1,207 और पर कैंडिडेट 325। नेक्स्ट जोन है पटना, वहाँ है 3,81,588, टोटल वैकेंसी थी अपनी 1,039 और पर कैंडिडेट जो रहेगा कंपटीशन वो रहेगा 367। नेक्स्ट जो जोन अपना वो है गोरखपुर, यहाँ गया था अपना 3,97,207 और यहाँ जो टोटल वैकेंसी थी वो थी 1,298 और जैसा कि आप देख सकते हैं कंपटीशन जो रहेगा 306। नेक्स्ट जोन है भोपाल, यहाँ गए थे 4,71,903, टोटल जो अपनी वैकेंसी वो थी 997 और जो फॉर्म पर कैंडिडेट वो है 473। नेक्स्ट जोन है तिरुवनंतपुरम, यहाँ है 26,791, 897 टोटल वैकेंसी थी, पर कैंडिडेट जो रहेगा वो रहेगा 398। नेक्स्ट जोन है गुवाहाटी, यहाँ जो टोटल फॉर्म भरे गए थे वो थे
अपना 231,927 टोटल वैकेंसी थी 851 और पर कैंडिडेट जो कंपटीशन है वो 272। अगला जोन अपना मालदा 261,426, यहाँ जो टोटल वैकेंसी थी वो थी 1024 और जो पर कैंडिडेट जो फाइट रहेगा वो रहेगा 250। आगे बढ़ते अपना नेक्स्ट जोन है भुवनेश्वर, यहाँ जो टोटल जो फॉर्म भरे गए वो है 221,524 और जब वैकेंसी थी 498 और जब फॉर्म भरे गए 444। तो देख सकते हैं भुवनेश्वर में भी काफी अच्छे फॉर्म भरे गए हैं, यहाँ पे भी हम कंपटीशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जोन है अपना सिलीगुड़ी, यहाँ जो टोटल फॉर्म भरे गए वो 83,761, यहाँ वैकेंसी है 443 और यहाँ टोटल पर कैंडिडेट जो फाइट है वो 189। यानी कि अब तक के सारे जोनों में जो सबसे कम फाइट अपने देखने वाला सबसे कम्पिटिटिव वो है अपने सिलीगुड़ी 189, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ बहुत कम सीटें थी, इसलिए ये सोचकर फ्रेंड्स यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो कम ही फॉर्म भरती है और इस चक्कर में यहाँ पे कंपटीशन भी कम देखने को मिलता है। जो अपना नेक्स्ट जोन है वो मुजफ्फरनगर, वो है मुजफ्फरपुर और ये यहाँ पे जो टोटल फॉर्म भरेगा वो 82,996 और यहाँ जो सीट थी वो 329 और पर कैंडिडेट जो कंपटीशन रहेगा वो रहेगा 252। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सारे जोनों में अभी तक जो 7,500 से लेकर 8,000 के बीच में जो फॉर्म भरे गए थे उनके बारे में ऊपर कैंडिडेट जो सीट बैठ रही है उसके बारे में बता चुके हैं। और फ्रेंड्स ये हमारे जो फॉर्म है वो अभी 12 बजे तक भरे जाने हैं, यानी कि अभी इनमें और भी जो भी फॉर्म है वो अभी भी इनकी संख्या बढ़ेगी, यानी कि पर कैंडिडेट जो सीट है वो भी अभी और भी इंक्रीज हो सकता है। तो आप ये ना सोचे कि ये लास्ट है, अभी 4 घंटे में बहुत सारे अभी अपने फॉर्म भरे जा सकते हैं। जैसे कि जो जो बाउंड्री पे जैसे आप कोलकाता देख सकते हो 8,58,000, तो इसका जो बोल सकते हैं ये 8,60,70,000 तक जा सकता है। बहुत से जोन है जैसे बेंगलोर ये 9 लाख तक जा सकता है और अपने मुंबई है जो कि 12 लाख तक जा सकता है, इसलिए सब में अभी बढ़ने के चांस, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या है कि अपने लास्ट टाइम पे ही फॉर्म भरते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हैं इस बार इस एग्जाम में बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिए जिससे कि आप इस बार सिलेक्शन पाके रहें। और जैसा कि हम सब जानते हैं जो प्री एग्जाम होगा उसमें 20 गुने पास किए जाएंगे, तो हमारे पास ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इस एग्जाम में सेलेक्ट हो पाएं। और फ्रेंड्स हमेशा मेहनत करती रहिए और जल्दी जल्दी गवर्नमेंट नौकरी पाइए। और फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें और हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।